7 एक्शन। प्रताप सिंह जी सीधा सवाल है, नंबर तो आपके पास है नहीं तो क्या इससे टाइम पास माना जाए? चुप कर बे कुत्ते। ये बड़ा हल्के में आप इस तरह के संवैधानिक और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको आप इस तरह हल्के में ले रहे हैं। सबको पता है संख्या बल नहीं है, बात संख्या बल का नहीं है, संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है, मोदी जी की सरकार के पास नैतिक बल नहीं है। नैतिक बल होता तो सदन में आते बोलते। जो व्यक्ति दिन भर बोलता है बिना बात का बोलता है, जो जरूरी चीजें नहीं उसको भी बोलता है, वो व्यक्ति सदन में बोलने से क्यों डरता और घबराता है? छप्पन इंच सदन में क्यों नहीं आ रही है? तो ये लड़ाई संख्या बल की नहीं है, ये दिखाने के लिए है, साबित करने के लिए है कि मोदी जी आप में नैतिक बल नहीं है। अब तो बोलना पड़ेगा ना, भाग रहे थे जिस बात से कि हम नहीं बोलेंगे, अब बोलना पड़ेगा, सदन में आना पड़ेगा। अब आए, पूरा हिंदुस्तान, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो मणिपुर स्टेट है उससे उद्वेलित है। इस देश में उस प्रांत में इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, महीनों से नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं, पूरा देश उद्वेलित है, पक्ष विपक्ष सब लोग उससे मर्माहत हैं, वहां के मुख्यमंत्री राज्यपाल तक सारी बातें बता चुके हैं, स्वयं स्वीकार रहे हैं, हर बात पे कहेंगे डबल इंजन डबल इंजन। लेकिन यहां पे क्या भाई, आपकी सरकार है तो वहां पे संरक्षण जारी है लोगों को, यह स्पष्ट दिख रहा है। उन संरक्षणकारियों षड्यंत्रकारियों की जो नेक्सस है उसका खुलासा ना हो जाए लोकसभा में राज्यसभा में संसद में, इसलिए आप चाहते हैं कि उस पर बहस ना हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा। देश का विपक्ष जागृत विपक्ष है, देश के विपक्ष में नैतिक बल और आत्मबल है। संख्या बल भले कम हो लेकिन देश का प्रतिनिधित्व, देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप उसे दबा नहीं सकते, आप सरकार समझ करके अपने आप को हर जगह अपनी धौंसबाजी कर सकते हैं, लेकिन आवाज कितने देर तक आप दबाएंगे ये आपके बस में नहीं है। वैसे भी आपके चली चला का बेला है, 8-10 महीने बाद झोला आपको उठा ही लेना है, यह आभास आपको भी है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इमोशनल डैमेज, क्योंकि कल का जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन आपने सुना, पूरे भारत को आतंकी संगठन से तुलना कर दी पूरे इंडिया की। विपक्ष क्या इस देश का नहीं है? विपक्ष इस इतना अहंकार कि आपसे असहमत है और आपको हराने के लिए लामबंद हो रहा है, तो वो जो है हिजबुल आतंकी संगठनों का उसके साथ तुलना कर देंगे? हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं की भाई, ये उनकी हताशा, इंडियन मुजाहिदीन ये आपकी हताशा, ये आपकी सरकार की हारने की जो आपके दिल में घर कर गया है, उस बात का द्योतक है कि आप अपना संतुलन भी खो बैठे हैं। ठीक है, अरे आप भाई, आप मेरे भी प्रधानमंत्री, हर किसी के, हर भारतवासी के आप प्रधानमंत्री, आप अपने आप को सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के प्रधानमंत्री क्यों समझते हैं? आपको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जवाब विपक्ष के या हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए बोल। अरे उस तरह भी बहस होती तो सत्ता पक्ष को ज्यादा समय मिलता है, लेकिन समय ज्यादा से बात नहीं होता, नैतिक बल है ही नहीं है। कासरगोड एक प्रधानमंत्री बौखला करके अपना आपा खो करके पूरे इंडिया को अपशब्द कर रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं कि कौन दिशाहीन है हमें पता है। अरे कौन अस्तरहीन है हिंदुस्तान को पता लग चुका है, अब दिशाहीन की बात कर रहे हैं, यहां अस्तरहीन कौन है वो हिंदुस्तान देख रहा है, इंडिया देख रहा है। हमारे नेता खड़गे जी हिंदुस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट लीडरों में दलित लीडर हैं, दलित होने के नाते उनका विधानसभा में और राज्यसभा में अपमान किया जा रहा है, उनको बोलने से रोका जा रहा है, एक दलित की आवाज दबाई जा रही है राज्यसभा में। दीपक जी, सदन में 3 लोगों को बोलने का प्रिविलेज होता है, नेता सदन, प्रधानमंत्री, नेता संसदीय कार्य और नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग कभी भी बोलते हैं, उनकी माइक को म्यूट नहीं किया जाता है, स्पीकर या चेयरमैन उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज आप कंक्लूड करिए, लेकिन चूंकि वो दलित हैं, इन्हीं दलित को मर्डर के लिए प्लॉट किया जा रहा था कर्नाटक में बीजेपी के एक नेता के द्वारा,
हमारे नेता प्रतिपक्ष दलित हैं, इतने सीनियर मोस्ट हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनका माइक भी उठकर जा रहा है। ये तानाशाही देख लीजिए, राहुल जी की तो कही जा रही थी, उनकी भाषा को रोका जा रहा था, स्पंद तो रोज करते रहते हैं विपक्षी आवाज को। अरे ये तानाशाही इंडिया नहीं बर्दाश्त करेगा, इंडिया नहीं बर्दाश्त करेगा ये तानाशाही। यही नैतिक बल है, क्योंकि उस नैतिक बल के आगे नैतिक बल के आधार पर आप आदिवासी महिलाओं के निर्वासीकरण पर नहीं बोल पाए। बात करने की तो नैतिक बल के आधार पर इन दलित बच्चियों के साथ जो गुनाह किया गया, ये जरा इनको सुना नहीं बोल पाए। नैतिक बल के आधार पर कासरगोड में जो हुआ उस पर अभी तक इधर उधर लोगों ने बलात्कार किया है, नहीं बोल पाए। छोड़ दिया, नैतिक बल है आपका, और अपने आप को इंडिया बोल रहे हैं। ये अहंकार की परिसीमा है, अस्तरहीन अहंकार है आपका। सुन लो, ये स्तरहीन प्रवक्ता, सुनो ये दुराचार किया गया है। तुम्हारी मतलब है बालाकोट पर सबूत मांगना, इंडिया का मतलब है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हस्तक्षेप की मांग करना। बस हवा निकल गई चैनल पे, जिस तरह से आप एजेंडा बने, जो आप भी परेशान हो गए इस सरकार के जाने के समय नजदीक आते हुए, ऐसा लग रहा है कि आप भी घबरा गए हैं। ऐसा है, संचालन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। चोर इकट्ठा, जो चाहे वो जो चाहे जब बोल रहा है, कौन से 40 जिस तरह चाहे डिस्टर्ब कर रहे डिबेट को, यही दादागिरी, यही तानाशाही रोकनी है। चैनल में हो या विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या देश में हो, यही तानाशाही रोकनी है कि जब चाहे मीडिया का माइक पकड़ के डिस्कशन में एक तरफा बोलने लगो, मीडिया को आवाज दबा करके, मीडिया का समर्थन मिलता रहे उसको। आपके पास भी ये जो तानाशाही है, इसी तानाशाही को इस देश से भगाना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संजीव जी देखिए, तीन बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, तीन बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक, ये रूल का हवाला दे रहे थे, कह रहे थे मैं रूल बुक लेके आया हूँ। तो चूंकि 267 की मांग हम इसलिए कर रहे थे कि 267 में अगर चर्चा होगी तो ना केवल सारा बिजनेस सस्पेंड होगा, पूरी विस्तार से चर्चा होगी, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद वोटिंग का प्रोविजन होगा। देश देखना चाहता है ना कि कौन मणिपुर की घटना से चिंतित है और कौन चिंतित नहीं है, कौन नाटक कर रहा है। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप डिबेट कर रहे हैं तो इस डिबेट को नॉर्थ ईस्ट के लोग भी देख रहे हैं, कम से कम उसके जख्म को नहीं बढ़ाइए। कम से कम ये मणिपुर की तुलना बाकी प्रदेशों से आप मत कीजिए। मणिपुर में अगर आपके परिवार के लोग होते तो शायद, अगर आपकी संवेदना नहीं है तो अगर आपके परिवार के लोग होते तो शायद आप समझ पाते कि मणिपुर में वास्तव में हो क्या रहा है। तीसरी बात, अभी कह रहे थे शहजाद भाई कि हम नमक का हक अदा करते हैं, देश का और ईश्वर का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इस बात से सहमत हूं कि शहजाद भाई नमक का हक अदा करते हैं। मैं आप एक ऑडियो सुनाता हूं, ये ऑडियो तब की है जब वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तब ये मोदी जी को खूब पोछ पोछ कर गाली दे रहे थे, तब कांग्रेस का हक अदा कर रहे थे। सुनिए अभी। जो 2G स्कैन में मुलव्विस थे, जैसे कि डीएमके के बारे में कहा जाता था, उनसे तो मोदी जी अभी हाल ही में मिलके आए, गले मिलके आए। अब मुकुल रॉय को इतनी बातें सुना रहे थे नारदा स्कैम में, उनको उन्होंने जो है गंगा जल छिड़क के ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें, जब वो कांग्रेस में थे तब वो कांग्रेस का हक अदा कर रहे थे, अब बीजेपी में बीजेपी का अदा कर रहे हैं। अपना कोई सिद्धांत नहीं है। जहां देखा थे वहां गया, फिर हो सकता है कल बीजेपी ना रहे, तीसरी हमारे पास दूसरी आने की कोशिश करेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आज आप जब इंडिया, कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज जब हम कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं कि देश इकट्ठा हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं? आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप जनतंत्र की बात कर रहे हैं और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। चुने हुए सरकार को आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जनता ने, जनता ने वोट दिया था कि देश के मुद्दे, महंगाई पे काम करें, आप महिला अत्याचार की बात कर रहे थे उस पे काम करें, आज देश में बेरोजगारी पे काम करें। आपने क्या किया? पूरे 5 साल जिसने आपके खिलाफ बोला, पहले उसको खत्म करने की साजिश की। और क्या तरीके थे? पहले आपने खरीदने की कोशिश की, अगर वो बिका नहीं तो फिर अपनी ईडी सीबीआई भेजा, डराया, अगर उससे नहीं आया तो फिर गवर्नर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की, अगर उससे भी नहीं आया तो आप ऑर्डिनेंस लेकर के आए। यही लोग कहते थे ना कि कांग्रेस ऑर्डिनेंस की सरकार है, उनसे 3 गुना ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए। तो मुझे यह लगता है कि आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए यह देश इकट्ठा हुआ। हां, एक बात और कह रहे थे कि भाई आपस में खूब गाली गलौज कर रहे हो, कैसे इकट्ठा हो गए? हां, हम अलग अलग पार्टी
पार्टी थे, वैचारिक मतभेद था, लेकिन बात चुकी संविधान की आ गई, बात जनतंत्र की आ गई, तो हम अपनी वैचारिक दूरी को से ऊपर उठ करके आज संविधान बनाने में इकट्ठा हुए हैं और रहेंगे। चिंता जी आपका जवाब बताइए, अविश्वास प्रस्ताव तो आ रहा है, लेकिन उससे बड़ा आपका लिए जो बड़ा टेंशन है वो मंडे को ही आ जाएगा, तो मंडे को भी कार्रवाई होगी कि नहीं चलाएंगे आप? क्या स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों ने दिल्ली अध्यादेश पर? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या पिछले लगातार जो संसद में हो रहा है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर पूर्वी भारत को अपना दिल कहते थे, आज वो जल रहा है। मैं अभी शहजाद पूनावाला को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये अपराध और भी जगह चर्चा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, ये धरती है जहाँ कहते हैं यत राष्ट्र नास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज जो हालात मणिपुर की है उसकी तुलना बाकी राज्यों से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, वहाँ का राज्यपाल आपके राज्यपाल वो कह रही हैं कि मणिपुर की हालात बहुत खराब है, मणिपुर से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, नफरत भरा पड़ा है। और बात केवल मणिपुर की नहीं है, अब देखिए ये मणिपुर की आग त्रिपुरा भी पहुँच रहा है, मिजोरम भी पहुँच रहा है, पूरे धीरे 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 नॉर्थ पूरे नॉर्थ जो इंडिया है उसे समा रहा है। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि सदन के नेता होने के नाते एक मजबूत मैसेज जाए और ये कहें कि हम मणिपुर के लोगों के साथ कर रहे हैं, वहां के लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत है, उनके जख्म में मरहम लगाने की जरूरत है। और अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आज करगिल दिवस है, बिल्कुल करगिल दिवस है शहजाद भाई, लेकिन सोचो कि उसी करगिल की लड़ाई का एक सूबेदार ये कहा कि मैं करगिल की लड़ाई तो लड़ लिया, लेकिन मैं देश तो बचा लिया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। इतने असंवेदनशील होना ठीक नहीं है। मेरा यह कहना है कि आज जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, प्रधानमंत्री आते, चर्चा होती, विस्तार से चर्चा होती, देश को आश्वस्त करनी, क्योंकि देश आज सदमे में है, देश को आश्वस्त करने की जरूरत थी कि आखिर कार्रवाई क्या हो रही है, चर्चा होनी चाहिए था ना उस पे। आप देखिए कि कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने हालांकि जब सदन शुरू हो रहा था कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई किया इन्होंने, एक कार्रवाई किया, सदन की मांग कर रहे थे हमारे सांसद संजय सिंह जी, उनको देखिए वहां के सदन से पूरे सेशन के लिए निकाल दिया गया। जिस व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया, कार्रवाई उस पर हुई। अब सोचिए कि अगर वो वीडियो अपलोड नहीं होता तो प्रधानमंत्री को शर्मसार नहीं होना पड़ता, प्रधानमंत्री कार्रवाई की बात नहीं करते, तो आज चूंकि वो वीडियो आया तो उस पर कार्रवाई की बात हो रही है, वरना तो कार्रवाई नहीं हो रही है वहां पे। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जो जानकारी दिया उसको तो पारितोषिक देने के बजाय आप उसको जेल भेज रहे, ये तो आपकी कार्रवाई है। तो इसका मतलब है, अब देखिए प्रधानमंत्री की चुप्पी देश को समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री हर मसले पे, किसान आंदोलन प्रधानमंत्री चुप, अब देखिए पहलवान बेटी आंदोलन कर रही थी, अपनी मांग के लिए बैठी थी, प्रधानमंत्री चुप। आज मणिपुर में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री चुप। बिल्किस बानो में घटना हुई, प्रधानमंत्री चुप। तो अब ये नरेंद्र मोदी हो गए हैं, ये इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।